हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब। तो अभी शाम का टाइम है, बज रहे हैं 4 और टिंटिन और मैं जा रहे हैं रिलायंस में, क्योंकि हमारे पास कूपन पड़े हुए हैं 500 500 के वाले। देखो कितना खुश हो रखा है घूमने के लिए। तो अभी चलेंगे हम और खुद देखते हैं कौन से वाले में चले। रामबल चौक तो चलते हैं वहाँ रामबल, क्योंकि सेक्टर 21 काफी दूर पड़ जाएगा और हम दोनों ही अकेले हैं, रात को आने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी वहां से। तो रामफल चौक वाले पे जाते हैं, तो देखते हैं कूपन वहाँ कैसे यूज होते हैं। तो चलो होते हुए कि नहीं, तो चलते हैं। ये घर पे ही हैं चीकू और ये दोनों के दोनों घर पे ही हैं, तारों के पीछे छुपा हुआ है। इन पे ये है 600 की। ये री शर्ट और टी शर्ट है, एक देखी थी टिंटिन ने, ये वाइट वाली है और ये दो कलर भी है इसमें, व्हाइट और ग्रीन। ये ब्लैक में है पर ये इसका कपड़ा थोड़ा चेंज है, गर्मियों में पता नहीं कैसा है। हाँ मिक्स है ये री। एक मिनट देखने दे, शॉपिंग के बाद हम आ गए यहाँ टाइगर से मिलने के लिए। कितना खुश हो गया, कितना खुश हो गया वो आते ही। आ गई मैं पालम से, क्योंकि पालम में कोई था नहीं तो मैं आ गई। मेरे को खाने की भी टेंशन हो रही थी, घर पे ही है तो मैंने खाने बनाना, तो रास्ते से मैं ले आई राई और राई बना रही हूँ, भुज्जी बना रही हूँ, भुज्जी बनाऊंगी, दिन की दाल बची हुई है। और चीकू वहाँ पहुंच गया था, टिंटिन वही है तो सक्षम टिन्नी के साथ, तो आ जाएंगे। तब तक मेरा खाना ही बन जाएगा जी, मैंने दूध आके चढ़ा दिया और अब खाना खा के फिर दिखाऊंगी मैं क्या लाई हूँ वहां से, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो इन्होंने टीवी की आवाज बहुत तेज कर रखी है, तभी मतलब ये होता है शोर हो जाता है। तो राई की भुज्जी खाई होगी आप सबने, बहुत टेस्टी होती है, दाल चावल के साथ बहुत बढ़िया लगती है। रात को मैं रोटी के साथ ही बनाऊंगी और रोटी के साथ भी काफी अच्छा लगता है। इसमें हरी मिर्च काट दो और सरसों के तेल में बनाओ तो स्वाद दुगना हो जाता है इसका। तो हमारे यहाँ मिल जाती है ताजी सब्जी, तो राई की बिल्कुल ताजे पत्ते थे, 20 रुपए की गड्डी थी, इतनी सी रही होगी गड्डी, तो हम दोनों के लिए हो जाएगा। बच्चों के लिए पनीर है और हम दोनों के लिए ये भुज्जी हो जाएगी और दाल हो जाएगी। और भुज्जी में कुछ और नहीं डालती, मैं दिखाती हूँ आपको। भुज्जी में मैं बस नमक डालती हूँ और हल्की सी हल्दी और बस राई का तड़का दे देती हूँ, हो सके तो आप प्याज भी काट दो। सेट कर दिया मैंने कैमरा, हरी मिर्च काट दो अच्छे से, हरी मिर्च मेरी गमले की चल रही है देखो, ताजी है बिल्कुल। अभी तो 2 हफ्ते हो गए मुझे हरी मिर्च को तोड़े, 2 हफ्ते हो गए हरी मिर्च को तोड़े, ताजी की ताजी है देखो। और ये तो छोटे साइज की और बड़े बड़े साइज की भी है मेरे पास। नमक भी ज्यादा नहीं डालना, कम ही डालना, क्योंकि थोड़ा सा भी तेज हो जाए ना नमक तो बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए कम से कम डालो भुज्जी, क्योंकि फिर उसने कम हो जानी है इतनी सी। तो उसको खुले में ही सुखाएंगे और जब सूख जाएगी तो बन जाएगी कुरकुरी वाली भुज्जी। तो मुझे तो खाने की चिंता थी कि भाई घर पे ये अकेले हैं तो इनके लिए खाना बनाना है, तो इसलिए हम वहाँ ज्यादा देर रुके भी नहीं और मार्केट में भी नहीं रुके, हमारा काम हुआ हम निकल गए जल्दी। तो मिलते हो अभी थोड़ी देर में जब भुज्जी बन जाएगी मेरी।
तो जब तक बन रही है मेरी सब्जी तब तक अब टिंटिन और भी आ गए वहां से, तो दिखा रहा हूँ अपनी, उसने अपनी हैंगर पे टांग दी थी ली कॉपर की। ये अपने लिए टी शर्ट लेके आया, व्हाइट टी शर्ट, उसको व्हाइट टी शर्ट बहुत पसंद है। मैंने व्हाइट मतलब उसमें दाग धब्बे एक बार लग जाए तो पूरी टी शर्ट खराब हो जाती है, ये भी व्हाइट ही है। और इतनी हाँ इतनी महंगी टी शर्ट, उसमें छोटा सा मेरे, फिर वो पहनेंगे नहीं, वो बोलेंगे ये तो छोटा सा दाग लग गया। और जैकेट का है चीकू की, जैकेट नहीं हुडी है वो, हाँ दिखाओ। और चीकू की जैकेट लेके आए, मतलब हुडी लेके आए, काफी टाइम से बोला हुडी दिला दो, मैंने सर्दियां जा रही तेरे को हुडी चाहिए, तो अब हुडी उसको पसंद आ गया। हमने वो गया तो नहीं था पर मैंने फोटो भेजी थी उसको, उसने बोला ले लो ये, और ये हुडी है उसकी, ये वाली हुडी लेके आए हैं, अच्छी लग रही ब्लू कलर में। और गाइस उसे भी पसंद आई, हमने वो तो गया नहीं था, हमने फोटो भेज के उसे क्या बोलते हैं दिखाई थी, तो उसको पसंद आ गई, तो मैंने जाते जाते सर्दियों में उसे भी हुडी पसंद आ गई। तो इनके लगाए, इनके साथ हमने कितने कूपन लगाए, दो कूपन लगाए थे, 500 तो सस्ते में हो गए, जैसे 3000 का था ये तो 1000 कम हो गया और 2000 की शॉपिंग हो गई हमारी, तो कूपन मतलब कूपन काम कर गए। तो वो बोल रहे थे कि विंटर का कुछ और सामान ले लो तो और भी कूपन लग जाएंगे, जैसे मतलब 500 और लेस हो जाएंगे इसमें से, तो हमने बोला नहीं अब इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों मैं यहीं पे आपको बाय बाय कर रही हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और आपको वाला ब्लॉग कैसा लगा, इससे पहले वाला जो ट्यूलिप गार्डन का था जहाँ फेस्टिवल लगा है, आप भी जाइए, काफी अच्छे सुंदर फूल लगे हुए हैं, तो होके आइए आप भी। इसके बाद पालम से सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, उनके लिए मंगाए हैं मोमोज, और ऐसे ही मिलने के लिए आए थे, थोड़ी देर में भाई और भी आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं, तो यहाँ पे भाई और उमेश भी आ गए थे बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए, और खाना खा के आए थे तो इन्होंने मीठा भी मंगा दिया सबके लिए। तो चलिए दोस्तों यहीं पे मैं आपको बाय बाय करती हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए।